तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको समझाया गया था कि 12,600 टू 650 पे स्पोर्ट है, एग्जैक्टली वही से स्पोर्ट ली और ऊपर 50 m ऑफ फॉलिंग था, एग्जैक्टली वहीं पे आया रेजिस्टेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी ने भी एग्जैक्टली वहीं से स्पोर्ट ली जहाँ बताया था, 23,210-280, उसी एरिया से जहाँ 100 m है, 20 m है। उसके बाद 23,520 वहाँ तक जो लेवल बताया था, और फॉलिंग ये भी फॉलिंग था, ये फॉलिंग है आपका 50 m, यहाँ पे था 50 m, एग्जैक्टली 50 m पे जाके ये प्रॉफिट बुकिंग आई। तो इस तरह से जैसा समझाया गया था बिल्कुल वैसा मूव किया मार्केट ने, जैसा ये भी बताया था कि एक कोई ट्रिगर चाहिए, जो कि ट्रिगर उसे मिल गया हरियाणा के इलेक्शंस पोल से। एकदम से जो चीज़ मार्केट सोच के चल रही थी कि बीजेपी हारेगी, वो उल्टा जीत गई। तो इस तरह से मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर था, तो यही कारण था कि मार्केट एकदम से तेजी से रिकवर हुई। अब हम आते हैं गोल्ड पे। तो गोल्ड वही रेजिस्टेंस पे अटका हुआ है, सपोर्ट इसकी नीचे है 21,910 पे, और ब्रेकआउट इसका 22,550 के ऊपर है, और ऊपर का रेजिस्टेंस है 22,824। सेंसेक्स उसी तरह यहाँ पे रेजिस्टेंस, जैसा कि समझाया था कि 81,792 अब रेजिस्टेंस का काम करेगा और 80,600 सपोर्ट का काम करेगा। तो वही हो रहा है, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस। इसके नीचे गया, अगर सपोर्ट टूटी तो पेन क्रिएट होगा। अब 82,000 क्रॉस हुआ, ये खासकर ये वाला एम्मा, ये एम्मा कौन सा है, ये है 79,000, ये है 81,960, 50 m। अगर ये 50 m क्रॉस हुआ तो ब्रेकआउट आएगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं मिड कैप निफ्टी पे। मिड कैप निफ्टी का क्या प्राइस एक्शन है? मिड कैप निफ्टी का प्राइस एक्शन ये है कि जहां आज मिड कैप निफ्टी ने सपोर्ट ली है, तो ये एक सपोर्ट पता चल गई आपको कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अब सपोर्ट कैसी रहेगी? अब सपोर्ट ये रहेगी, मैं लिख देता हूँ, 12,542, 12,650। और जो लास्ट लो लगा है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब मेरे हिसाब से मार्केट बाय और डिप रहनी चाहिए। बार बार अगर यहाँ पे डिप आता है, वहाँ पे आपको बाइंग नजर आएगी। ऊपर 790-840 और फॉलिंग 50 m, 12,900 इसके इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे। उसके बाद जो लोग होल्ड करके गए हैं उन्हें क्या करना है? मान लो वो होल्ड करके गए हैं यहाँ पे, तो अगर 12,970-980 आता तो वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है। बाकी शॉर्ट कवरिंग जो पॉसिबल है वो है 13,020 के ऊपर, क्योंकि जब 10 m निकल जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। और नेक्स्ट है 13,068 रेजिस्टेंस, फिर नेक्स्ट शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे जाके एक बार रुकेगी क्योंकि फॉलिंग 20 m है, फिर ये रुकेगी तो 13,100 के ऊपर नेक्स्ट शॉर्ट कवरिंग बनेगी, फिर वहाँ पे रुकेगी 20 m और 13,170-200 इसके इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो गए, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। मतलब 13,201 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद अगर हम आए फिन निफ्टी पे, तो फिन निफ्टी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया उसे जो क्लिक कीजिए, और उसके अलावा वहाँ पे जो भी नॉलेज दी जाती है उसको इकट्ठा कीजिए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 23,200-300 अब सपोर्ट का काम करेगा, जैसा कि निफ्टी ने पिछले 2 दिनों से सपोर्ट ली है, और जो लास्ट लो लगा है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर के लेवल 23,390, 452-500, 550 और 576। अब आज जो इसने सपोर्ट ली है, ये हो सकता है कि ये सपोर्ट का काम करे और यहाँ तक अब बाय ऑन डिप रहेगा, ठीक है। और ऊपर जो शॉर्ट कवरिंग बनेगी वो बनेगी 23,600 के ऊपर, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 23,700-750। कारण यहाँ पे फॉलिंग 50 m और 10 m रेजिस्टेंस का काम करेंगे, क्योंकि ये फॉलिंग है दोनों। तो जो फॉलिंग होता है एमा वो रेजिस्टेंस का काम करता है, जो राइजिंग, अब ये राइजिंग हो गया तो ये सपोर्ट का काम करे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।